अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूडी स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी कॉटेज चीज़ के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सर्दियों में तो अमूमन कॉटेज चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है खानों में, लेकिन इसके अलावा भी आप गर्मियों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में आप दूध से इसको तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी के साथ और सस्ती तैयार हो जाती है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं कॉटेज चीज़ के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। कॉटेज चीज़ बनाने के लिए यहाँ हमारे पास दूध है, जो कि ये 1 लीटर दूध है। अभी मैंने इसको बॉयल नहीं किया, हम इसको अभी बॉयल करेंगे। और कुछ यहाँ पे हमारे पास नींबू है, इन नींबू को अभी हम काट के और इसका जूस निकालेंगे। सिर्फ इन दो चीज़ों की हमें कॉटेज चीज़ के लिए ज़रूरत है। सबसे पहले हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। यहाँ सॉस पैन के अंदर सबसे पहले हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। आंच मैंने इसकी तेज कर दी है ताकि दूध जल्दी से बॉईल हो जाए। दूध बॉईल हो चुका है, अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। जब तक दूध ठंडा हो रहा है, मैंने जो लीमू हमारे पास है इनको मैंने काट लिया है। अब हमारे पास जो ये लीमू स्क्वीज करने के लिए है, इनको सबको अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेते हैं ताकि लीमू का जूस जो है वो निकल जाए। कम से कम हमें इसमें 4 से 5 टेबल स्पून नींबू के जूस की जरूरत होगी। दूध थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल हमें दूध को ठंडा नहीं करना। जबकि दूसरी तरफ जो लेमन जूस है ये भी मैंने निकाल लिया है, जो कि तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है। अब हम जो नीम गर्म तकरीबन ये दूध हो चुका है, इसमें ये सारा लेमन जूस डाल देंगे। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पनीर बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। जो जो लीमू हमने इसमें डाला था उसकी वजह से ये दूध बिल्कुल फट चुका है, पनीर अलग हो गया है और इसमें जो पानी है ये भी अलग हो गया है। आप चाहे तो इसमें लीमू का रस डाल सकते हैं, या लीमू नहीं है तो आप सिरका डाल सकते हैं। यहाँ एक बॉल के अंदर मैं ये छन्नी रखूंगी और छन्नी के ऊपर हम इस तरह से कोई भी मलमल का या बारीक कपड़ा रखेंगे। मैंने इस वक्त मलमल का कपड़ा इस्तेमाल किया है, आप नेट का भी कोई चीज़ दुपट्टा या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और जो हमने पनीर बनाया है ये सारा का सारा इसमें डाल देंगे ताकि जो पनीर है ये इसमें कपड़े में रह जाए और पानी सारा नीचे निकल जाए। कुछ हद तक इसमें से पानी निकल चुका है। अब हम ऐसा करेंगे कि 1 ग्लास इस पे पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि लीमू की या सिरका अगर आपने डाला है तो इसकी जो खटास है वो इसमें बाकी ना रहे, इसकी सारी खटास निकल जाए। इसको अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेते हैं। अब ये पनीर हमारे पास इस किस्म के पोजीशन में ये आ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत पानी है। जो बॉल में हमने पानी निकाला था ये सारा पानी इसका फेंक देंगे और दोबारा इसको इसी तरह से छन्नी में रखने के बाद अब इसके ऊपर हम कोई वजन रख देंगे। छन्नी में इस तरह से सारा पानी फेंक लेने के बाद अब हम ऐसा करेंगे कि इसकी इस तरह से एक पोटली सी बना के इसको एक शेप दे देते हैं और इसके ऊपर आप कोई वजन रख देते हैं। यहाँ मेरे पास एक बॉल है, चूंकि इसका अपना वजन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें वजन करने के लिए मैंने इसमें कुछ मेरे पास स्टोन्स थे वो मैंने स्टोन्स डाल दिए ताकि ये भारी हो जाए। इसकी वजह से इसमें ये भारी हो गया है। अब हम ये इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे ताकि पनीर में जो पानी है वो सारा छन्नी में से निकल कर नीचे बॉल में जमा होता रहे। कॉटेज चीज के ऊपर वजन रखे हुए काफी देर हो चुकी है, तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर वजन रखा है। अब इस ये जो वजन हमने इसको रखा था इसको हटा देते हैं और जो ये हमारी कॉटेज चीज है ये बहुत जबरदस्त तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसमें जो पानी ये निकला है इसको भी अब हम फेंक देते हैं। कॉटेज चीज को आप ये देखते हैं खोल के कि ये कैसे तैयार हुई है। कॉटेज चीज को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही नरम कॉटेज चीज तैयार हुई है। इसके अब हम पीस में इसके कटिंग कर लेते हैं।
इस तरह से ये हमारी कॉटेज चीज तैयार हो चुकी है। कॉटेज चीज बिल्कुल तैयार है, बहुत ही प्यारे इसके बर्फी की तरह से ये इस तरह से पीस इसके तैयार हुए हैं। आप इसको किसी भी खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, नमकीन खानों में भी और मीठे खानों में भी कॉटेज चीज का इस्तेमाल किया जाता है। घर में ये बहुत सस्ती तैयार हो जाती है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।